कानपुर देहात से खबर आ रही है जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद है। थाने से लेकर एसपी ऑफिस तक न्याय की गुहार लगा रहे हैं पीड़ित। मां बेटी 11 दिनों से न्याय के लिए भटक रही हैं। रास्ता बनाने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था। कार्रवाई करने की जगह पीड़िता को ही थाने में बैठा दिया गया। समझौते का दबाव बनाते रहे दबंग पुलिस। आपको बता दें कि पुलिस की मेहरबानी से दबंगों के हौसले जो है वो बुलंद होते जा रहे हैं। थाने से लेकर एसपी ऑफिस में मां और बेटी ने 11 दिनों से न्याय के लिए भटक रही हैं। शिवली पुलिस पीड़ित परिवार पर दबंगों से समझौता बनाने का डील कर रही है, दबाव दे रही है। लेकिन देखिए क्या महिला हेल्प डेस्क थाने में दिखावे के लिए था। दरअसल ये पूरा मामला जो है वो कानपुर देहात का आया है, शिवली थाना क्षेत्र का आ रहा है, जहां करीब 11 दिन पहले गांव में ही रास्ता बनाने को लेकर विरोध हुआ था, झगड़ा हुआ था, जिसमें गांव के रहने वाले दबंग गोपाल, अनुराग, गौरव और उनके साथियों में ने मिलकर मां बेटी को पीटा था। इतनी बुरी तरह पीटा था कि हाथ टूट गए थे और अभी न्याय की गुहार लगाने के लिए मां और बेटी 11 दिनों से थाने के चक्कर लगा रही है। दबंगों ने दोनों को पुलिस में न जाने की धमकी भी दी थी। जब पीड़ित के परिजनों ने इस पूरे मामले को लेकर थाने में शिकायत दर्ज की तो थाना अध्यक्ष ने दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उल्टा समझौते का जिक्र कर दिया। 3 दिन तक पीड़ित परिवार वहां पहले बैठा रहा, उसके बाद 11 दिनों तक न्याय की गुहार लगाता रहा। यह पूरा विवाद रास्ता बनाने को लेकर हुआ था, जिसमें दबंगों ने मां और बेटी को बुरी तरह से पीटा था, पुलिस में न जाने की धमकी भी दी थी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कानपुर देहात से आ रही है, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं।